दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर की लाइट आ रही है, एक तो ये ठीक है, एंड ये एक चेक इंजन लाइट आ रही है। तो सिस्टम लगा लिया है, डायग्नोस कर रहे हैं कहाँ की लाइट है और कौन सी लाइट है। निशान सन्नी गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड माइक्रा के अंदर भी अगर पुश बटन वाली है और ऑटोमेटिक गाड़ी है, देखिए पुश बटन है और ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो सेम ऐसी कंडीशन आए तो इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप भी डायग्नोस कर लेना, ठीक है। तो अभी हम दिखाता हूँ, इसको दिखा देता हूँ मैं ज़रा, देखिए अभी इसको डायग्नोस कर रहा है। सन्नी N17 कोड होता है, माइक्रा का K13 होता है, इंजन कोई सा भी साल डाल दो, ठीक है। तो अभी सेलेक्ट करके इसको बढ़ाते हैं आगे, एंड क्या कोड आ रहा है वो चीज़ आज इस वीडियो में देख लेते हैं, एंड इसको सॉर्ट आउट करेंगे चेक इंजन की लाइट क्या है एंड ये की लाइट किस लिए आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक तो यहाँ पर होता है, ये ऑटोमेटिक ACS के अंदर होता है इनसाइड एंटीना, ठीक है। गाड़ी के अंदर आउटसाइड एंटीने होते हैं और इनसाइड एंटीने होती हैं। इस चाबी की वजह से जब आप गाड़ी को लॉक करोगे, इससे लॉक करोगे, लॉक अनलॉक करोगे, तो गाड़ी के गेट के बाहर, ठीक है, वहाँ पर स्विच लगे रहते हैं, उनके अंदर इनसाइड एंटीने आउटसाइड एंटीने होते हैं, ठीक है। बट अभी इसके अंदर हमें देखना है कौन सी चीज़ है। कोड खुल चुके हैं एंड यहाँ देखिए इसके अंदर आ रहा है BCM में, BCM मीन्स बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, करंट में आ रहा है B2621, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनसाइड एंटीना करंट में आ रहा है, ठीक है। एंड नीचे आ रहा है P0132HO2S1B1, 30 बार इसका कोड आ चुका है पास्ट में, ठीक है। यानी ऑटो सेंसर सही से काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, कोई वैसी प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो हमें ये तो पता चल गया है कि गाड़ी के अंदर ऑटो सेंसर और इनसाइड एंटीने की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार आउटसाइड एंटीने दिखा देता हूँ, फिर इनसाइड एंटीने कहाँ कहाँ लगे रहते हैं सारे दिखाता हूँ, एंड फॉल्ट को आज इसको ख़त्म करने वाले हैं, इस लाइट को आज बंद कर देंगे। तो चलो पहले इनसाइड आउटसाइड एंटीना हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ होते हैं। तो दोस्तों आउटसाइड एंटीने 3 मिलेंगे, एक ये देखिए स्विच, इसके अंदर आउटसाइड एंटीना मिल जाता है आपको फ्रंट राइट हैंड साइड ड्राइवर साइड में, एंड अभी आउटसाइड चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक्चुअली मतलब जो बाहर के एंटीने मिलेंगे आपको, बाहर से जब गाड़ी लॉक अनलॉक करते हैं हम, यही एंटीने हमें काम आते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, एंड इसके बाद तीसरा मैं आपको दिखा देता हूँ, तीसरा आपको यहाँ पर मिलेगा ये, ठीक है, जो आजकल हर गाड़ियों में आता है, इसके अंदर की तरफ आपको मिल जाता है। तो बाहर की तरफ तो ये 3 आउटसाइड एंटीने हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनसाइड एंटीना की, ठीक है, क्योंकि हमारी गाड़ी में जो कोड आ रहा है वो आ रहा है इनसाइड एंटीने का। तो अभी हमें उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, एक एंटीना तो यहाँ पर होता है इसके बिल्कुल नीचे HVAC यूनिट के ऊपर, एक मिलेगा आपको इस सीट के नीचे यहाँ पर बॉडी पर, एंड एक डिक्की में मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ, डिक्की में आपको दिख जाएगा क्लियर। तो डिक्की मैंने खोल ली थी, एंड देखिए ये अंदर की साइड में ये एंटीना लगा हुआ है, इस तरीके का एंटीना होता है, ये इनसाइड एंटीना है, ठीक है ना। एंड एक सीट के नीचे मिलेगा आपको, एक एंटीना सीट के नीचे मिलेगा, जो कि इसको हम खोल नहीं सकते यार, कस्टमर यहीं पे है, पर मैं बता दे रहा हूँ जब आप कभी इसको निकालो तो इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। एंड जो तीसरा एंटीना है वो है यहाँ पर इस HVAC यूनिट के, जो HVAC यूनिट AMT ऑटोमेटिक AC का जो प्लेट है इसके बिल्कुल नीचे। तो अभी हमें क्या करना है, कोड के अकॉर्डिंग B2621 इनसाइड एंटीना इसी कोड के मतलब एंटीने के बारे में बताता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, पहले इसको खोल के देख लेना है, ठीक है। पीछे वाला तो हमने डिक्की में देख लिया, एंड इसका प्रोसेस भी बहुत अलग है। अगर आपको पता ना चले कि कोड क्या आ रहा है और फिर भी लाइट आ रही है तो हमें क्या करना है, ये चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल डायग्नोसिस आपको बता देता हूँ, मान लो आपका ये एंटीना ख़राब हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ चाबी यहाँ रख देनी है, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखना है क्लच पैडल दबा के, ठीक है। अगर इस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो ये समझ लेना ये एंटीना काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही सेम प्रोसेस, क्योंकि एंटीना एक यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर रखकर भी चाबी को बंद करके दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके देखना है, ठीक है। गाड़ी यहाँ पर भी स्टार्ट हो रही है, एंड ऐसे ही आपको देखना है डिक्की में रख के, ठीक है, डिक्की में चाबी को रख देंगे और फिर से गाड़ी स्टार्ट करके देखनी है।
जिस जगह पे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मतलब डिक्की में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो डिक्की वाला सेंसर खराब है, उसका कोड अलग आ जाएगा। जैसे P2621 है तो उसका कुछ और कोड मिल जाएगा, हो सकता है 2300 या 2600 B2626। ठीक है, तो अभी इसमें कोड आ रहा है B21 B26 और 21। तो हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ से पता तो चल गया, हमने गाड़ी स्टार्ट करके देख लिया, गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है बट प्रॉब्लम कुछ और है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, पूरा सेंटर कंसोल को खोल के एक बार चेक करते हैं कि इनसाइड एंटीने पर क्या फॉल्ट आया, वायरिंग तो नहीं कट गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो चलो इसको खोल लेते हैं। तो इसको खोलने के लिए सिंपल यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर लगाना होता है, यहाँ हमने लगा लिया एक्चुअली पहले ही, तो इसको लूज़ कर लिया। ठीक है, एंड इसको अभी बाहर निकाल लेते हैं। इसके नीचे हैजार्ड स्विच का कनेक्टर होता है, उसको हमने निकाल लिया, उसको निकाल लेना है आपको, ये वाला कनेक्टर है। ठीक है, इसको निकाल लेना है पीछे से, यहाँ से दब के ना, ये इसका जो कनेक्टर है इसको दबा के बाहर कर लेना। एंड अभी गाड़ी को कर लेना है बंद, क्योंकि ऑटोमेटिक एसी है। फिर इसके हमें खोलने हैं स्क्रू, एक स्क्रू ये हो गया, एक स्क्रू ये हो गया, ये दोनों स्क्रू खोल के ये पूरी प्लेट जो है इसके साथ बाहर आ जाती है। स्टीरियो को नहीं खोलेंगे, स्टीरियो के बोल्ट दिखा देता हूँ, एक ये रहे, एक यहाँ पे है एंड दो यहाँ पे है। ठीक है, टरेनो में भी आपको इसी तरीके से लगे हुए मिलेंगे। ठीक है ना, अभी इसको खोलते हैं पीछे से, आराम से इसमें लॉक्स लगे रहते हैं, दोनों तरफ से पकड़ के सिंपल इसको पीछे ले लेना है। एंड यहाँ पर देखिए, इस लोकेशन पे यहाँ पर ये इसका इनसाइड एंटीना लगा रहता है एंड ये इसका कनेक्टर लगा हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने चेक तो कर लिया था, बट आपको भी प्रोसेस बाय प्रोसेस सिखाने के लिए मैंने दोबारा गाड़ी को पैक किया और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके आपको चेक करके दिखा रहा हूँ वीडियो में। अभी क्या करना है, कनेक्टर को हम लगा देते हैं वापस से। एंड हर वीडियो में बोलता हूँ, कनेक्टर लगाते टाइम आवाज़ आनी चाहिए, ये आवाज़ आ गई, कनेक्टर लग चुका है। अभी हमें क्या करना है, वापस से इसको पैक कर देना है कंप्लीट। देखिए लॉक्स के अंदर ये बैठता है, तो सारे लॉक्स ध्यान से इसको वापस फिक्स करके लगाने हैं। अभी ये होता है इनसाइड एंटीना, इसी का ही कोड आ रहा था B2621, तो हमने इसका कनेक्टर लगा दिया है। ठीक है, अभी दोबारा डायग्नोस करके इसको कोड को इरेज करके देखेंगे एंड फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे। दूसरा जो कोड आ रहा है वो ऑटो सेंसर का आ रहा है, जो चेक इंजन लाइट आ रही है। ठीक है, तो करते हैं अभी इसको डायग्नोस। तो दोस्तों पैक कर दिया है, ये पैक करने के बाद कनेक्टर लगा के अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, क्लच दबा के स्टार्ट करनी है गाड़ी। एंड ये देखिए, अब लाइट इसके अंदर से की वाली चली गई है, तो किसी ने खोला होगा यार कनेक्टर, किसी ने काम किया होगा। एंड यहाँ देखिए, कोड जो करंट में आ रहा था वो भी निकल गया है। अभी ऑटो सेंसर का आ रहा है, इसका अप्रूवल देंगे, अप्रूवल मिलेगा तो गाड़ी ओके हो जाएगी, ये लाइट भी चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोज़ को लाइक करने के लिए धन्यवाद। अभी मैं इसको लगा देता हूँ, ज़रा लगाने से पहले आपको दिखा देता हूँ, इसका एक कनेक्टर वापस से लगाना है और लगाते टाइम आवाज़ आनी चाहिए हर एक कनेक्टर में, ये आ गई। अभी ऐसे इसमें लॉक्स लगे रहते हैं, ऐसे इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, पहले नीचे की तरफ से एंड फिर बाद में ऊपर से। ठीक है दोस्तों, ये की लाइट चली गई है एंड अप्रूवल वो देंगे तो ऑटो सेंसर भी बदल जाएगा, किसी दिन और वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों।